उदयपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर सिंह मीणा ने नामांकन दाखिल किया। मीणा टाउन हॉल से रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी को नामांकन सौंपा। मीणा सैकड़ों समर्थकों के साथ में ट्रैक्टर चलाते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास, शहर व देहात के जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायकों सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनके नेतृत्व में चल रहा है। हम यहाँ आए, नामांकन दर्ज किया है और हमारे पूरे जिले से, पूरे लोकसभा क्षेत्र से, विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से सभी कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए हैं। मैं सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है वो सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई है। इसमें सत्य की जीत होगी, इसमें सभी कार्यकर्ताओं की भागीदारी रहेगी। कांग्रेस एक निष्ठावान समर्पित पार्टी है, गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, छोटे व्यापारियों के प्रति, विद्यार्थी के प्रति, हमारे महिलाओं के प्रति, सभी के प्रति सहानुभूति के साथ, योजना के साथ काम करें। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।